जब मैं अलग अलग दलों के लोगों से मिलता हूँ और खासकर उद्धव गुट के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो आपके लिए भी बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और पार्टी को तोड़ने का जिम्मेदार बताते हैं, और वो शब्द आप जानते हैं कि किस तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा है। मैं वही जानना चाहता हूँ, आपकी तरफ से भी बहुत संयमित तरीके से प्रतिक्रिया दी जाती है, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, शिवसेना के अंदर इस तरह की चीज़ को लेकर? पहले तो पार्टी जो टूट गई, पार्टी टूटी नहीं, हमने पार्टी बचाई है। असली शिवसेना को बचाने का काम हमने किया है। शिव सैनिकों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उसको बचाने का काम हमने किया है। धनुष बाण को बचाने का हमने किया है। एक कांग्रेस के हवाले पार्टी की थी, उसको छुड़ाने का काम हमने किया है। और ये सब हुआ है, जो उठा हुआ संघर्ष हुआ, नई सरकार बन गई, इसके जिम्मेदार खुद वो है, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल में कुछ काम नहीं किया, घर में बैठे रहे, फेसबुक लाइव के क्या सरकार चलती है, राज्य चलता है, घर में बैठ के राज्य चलता है, कारोबार चलता है, लोगों से मिलते नहीं, विधायक तो जाने दो, मंत्री लोग से मिलते नहीं। तो विधायक जो है हमारे शिवसेना के, वो उसमें अंग्रेज था, हम कैसे फेस करेंगे चुनाव आगे का? और तब उन्होंने कहा हम विचारधारा से परे जा रहे हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर जी का अपमान कांग्रेस कर रही है और उनको लेके कंधे पे बैठ रहे हैं, तो कैसे सहन करेंगे? इसलिए हमने रिवोल्ट किया और उसमें लोगों के मन में जो बात थी, सरकार, लोगों के मन की सरकार हमने बनाई। लेकिन बात वही है कि आपके लिए जिस तरह के उपमाओं का, शब्दों का प्रयोग किया जाता है उधर से, आप लोगों ने बहुत बैलेंस रिएक्ट किया उसमें। असली ये वो शब्द हमें लागू नहीं होता है, वो शब्द तो उनको लागू होता है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी गठबंधन सरकार बनी, चुनाव हुआ, मोदी जी का फोटो, बाला साहब ठाकरे जी का फोटो लगा के वोट बटोरे और सरकार बनाई कांग्रेस के साथ। लोगों को विश्वास था कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनेगी, तो विश्वासघात किसने किया? शिव सैनिकों के साथ विश्वासघात किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर किसने कोपा? तो बेईमान कौन? जो हमें शब्द यूज करते हैं उनको लगता है, उनको वो सही शब्द उनके लिए है। लेकिन बात यहाँ पर आके रुकती है कि महाराष्ट्र की राजनीति में 19 से लेकर 24 तक, मतलब 19 में और 24 में पूरा चित्र बदल गया, मतलब एनसीपी भी उसका भी एक घटक इधर आया, आप लोग भी आए, ये हुआ क्या महाराष्ट्र में? एक 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 अलग पैटर्न पे चली गई है महाराष्ट्र की राजनीति, क्या आप इसे ऐसे देखें? 2019 में ही खुद के स्वार्थ के लिए पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न क्या था? नेचुरल अलायंस करना शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार, क्या किया? पैटर्न ही चेंज कर दिया। अगर शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार होती तो यह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो जिस दिन नतीजे आने शुरू हुए, उनको पता चला कि हमारे बिना बीजेपी सरकार नहीं बना सकती, तभी उन्होंने कहा हमारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं, तब विषय शुरू हुआ। ये प्री प्लान था, उनको मुख्यमंत्री बहुत पहले से बनना था, उनको बनना था मुख्यमंत्री पहले से। बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं, बाला साहब ठाकरे जी रहते तो उनको नहीं बनाते, तो शिव सैनिकों को बनाते, शिव सैनिक को बनाते। तो क्या कभी उद्धव ठाकरे ने आपसे नहीं कहा कि आप बन जाओ? कहा था ना, उनको नहीं बनना था, मुझे बोले मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है, बोला ठीक है शिव सैनिक को बनाएंगे, भले मुझे नहीं बनाते तो और किसी को तो बनाना चाहिए था। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि आपको उद्धव ने कहा कभी कि देखिए वो कह रहे थे मुझे नहीं बनना है, मुझे पूरी तरह उन्होंने आश्वासन दिया था और बोला था कि मुझे नहीं बनना है, आप बनना, बराबर, तो मुझे मत बनाना, दूसरे किसको तो बनाना था, खुद ही बन गए। और शरद पवार जी के बाद दो दूत को भेजे, दो लोगों को भेज दिया, बोले मेरा नाम सजेस्ट करो। आप कह रहे हैं ये पूरी स्क्रिप्टेड चीज थी? पूरी स्क्रिप्टेड, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव ने एक स्क्रिप्ट लिखी थी। बिल्कुल, तो इसलिए तो दो जन को भेजा ना शरद पवार जी के पास। शरद पवार जी को क्या जरूरत है
हमारी पार्टी का सवाल, हमारी पार्टी का निर्णय हम ले सकते हैं। उद्धव ठाकरे हो या एकनाथ शिंदे हो और कोई भी हो, मेरा इतना ही कहना है मुझे नहीं बनाते कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने बोला था शिवसेना को बनाएंगे तो बनाना था। बाला साहब ठाकरे का सपना तो मोदी जी ने पूरा किया, अमित शाह साहब ने पूरा किया। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा, मैं वो आपको कोट करके बता रहा हूँ क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि कम सीटें होने के बाद भी शिवसेना से हमने मुख्यमंत्री बनाया, यानी आपको समर्थन देकर बनाया, ये हमारी तरफ से बाला साहब ठाकरे के विचारों को श्रद्धांजलि। सही बात है, बाला साहब ठाकरे जी का विचार क्या थे, उनकी इच्छा क्या थी, एक आम शिव सैनिक मुख्यमंत्री बने और इन्होंने भी बोला कि आम शिव सैनिक बनेगा, लेकिन उनका स्वार्थ जागृत हो गया, मोह माया के जाल में फंस गए और खुद ही बन गए। तो मैंने पहले भी कहा कि बाला साहब ठाकरे जी को उनका सपना साकार करके असली श्रद्धांजलि तो मोदी जी ने दी हुई है, मुझे काम करने का मौका दिया, इतना बड़ा निर्णय लेने का, सरकार होते हुए मैं भी मिनिस्टर था, मेरे साथ 7-8 मिनिस्टरों ने सरकार को त्याग दिया, सरकार बनी बनाई सरकार में से हम उतर गए, ऐसा कभी होता है? एक नगर सेवक भी यहाँ से पार्षद यहाँ से वहाँ जाने के लिए सोचता है, हम तो मिनिस्टर थे, हमने छोड़ दिया, आगे क्या होगा हमको मालूम नहीं था, क्या होगा जो होगा हमने डिसाइड कर लिया, हम बाला साहब ठाकरे जी के विचार को बचाएंगे, शिवसेना को बचाएंगे, धनुष्मान को बचाएंगे और हमारी अलायंस जो वैचारिक भूमिका है शिवसेना बीजेपी की वो फिर जोड़ेंगे। इस पूरे प्रकरण में कहीं कोई ऐसा पॉइंट था कि ये चीजें रुक सकती थी, कुछ ऐसा हो सकता था कि ऐसा ना होता कि पार्टी के दो हिस्से हो जाते, कोई ऐसा? हमने बहुत कोशिश की, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मैंने 5 बार उनको बताया कि हम जो गलती आपसे हुई या बीजेपी के साथ हुई आप बोल रहे हैं छोड़ो, हम भूतकाल में नहीं जाते, हम वर्तमान और भविष्य में जाते हैं, हम शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाते हैं और सरकार बना के फिर हम लोगों के सामने जाते हैं, भैया जो हो गया अभी हम असली अलायंस गठबंधन पार्टी की सरकार बना रहे हैं। 5 बार तो मैंने कोशिश की, 5 बार आपने खुद प्रयास किया? मैंने खुद प्रयास किया, बोले हाँ करते हैं, बनते हैं, बनाते हैं, लेकिन उनका मकसद था कि अगर हम शिवसेना भाजपा का सरकार बनाएंगे तो हमें उतरना पड़ेगा कुर्सी पर से और उनको 5 साल बने रहना था मुख्यमंत्री, पार्टी जाए खंडे में, शिवसैनिक जाए खंडे में, लोग जाए खंडे में, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ये सब बात घूम फिर के आती है कुर्सी पर। आपका ये आरोप है कि सिर्फ कुर्सी की ही लड़ाई थी, बाला साहब ठाकरे के विचारों को पीछे छोड़ दिया गया? छोड़ दिया ना पीछे, बाला साहब ठाकरे हमने पहले ही कहा कि भैया हमारे को कोई उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उनके विचार यही हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन इन्होंने जो शिवसेना के अकाउंट में 50 करोड़ थे वो भी निकल लिए, वो लोगों के थे, शिवसैनिकों के थे, उस पे अधिकार शिवसेना का था। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये मैं बोला भी है कि उनको ना बाला साहब के विचार चाहिए, ना शिवसेना चाहिए, ना धनुष्यबाण चाहिए, उनको चाहिए पैसे। नहीं आपने तो एक तरीके से बहुत गंभीर आरोप लगाया नहीं कि शिवसैनिकों के जमा पैसे निकाल, पार्टी के वो शिवसैनिकों के जमा होते थोड़ी वो हमारे होते, तो वो पैसे तुरंत निकाल लिए 50 करोड़ और दूसरे खाते में जमा कर दिए। ये पैसे की लालच और सत्ता की लालच में पूरी तरह सब काम कर दिया। जब लोगों से बात करते हैं, और मैं तो कहूंगा कि ग्रास रूट के जो नेता हैं अलग अलग दलों के, उनसे भी बात करते हैं, तो मैंने ये देखा, ये महसूस किया कि चाहे वो उद्धव ठाकरे के समर्थन वाले लोग हों या फिर शरद पवार के गुट के लोग हों, एक इमोशनल अपील वो कर रहे हैं मतदाताओं से कि हमारा घर, हमारा परिवार बिखर गया, तोड़ दिया गया, और उसके लिए नरेंद्र मोदी हों, आप हों, उनको वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये जो भावनात्मक अपील है परिवार तोड़ने की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या एनसीपी शरद पवार अपना परिवार नहीं संभाल पाए या उनके परिवार को किसी ने तोड़ दिया? देखिए ये पहली बात नहीं है, इससे पहले उद्धव जी ने राज ठाकरे को घर से निकाल दिया, उनके बहू को निकाल दिया, भाई के बेटे को निकाल दिया, नारायण राणे को निकाल दिया,
छगन भुजबल को पार्टी से निकाल दिया, गणेश नाइक को पार्टी से निकाल दिया, कितने लोगों को निकाल दिया है, ये इनसिक्योर महसूस करते हैं। बाला साहब ठाकरे जी, राज ठाकरे जी को वापस आओ ले रहे थे, लाने का प्रयास कर रहे थे, लाने का प्रयास नारायण राणे जी खुद उनको ले आ रहे थे, लेकिन तुरंत इन्होंने कहा कि आप ऐसा करोगे तो हम घर छोड़ देंगे। बाला साहब ठाकरे जी को भी ये टॉर्चर करते थे, बाला साहब ठाकरे जी को भी बहुत तकलीफ देते थे, ये बहुत ऐसा माहौल बनाते कि वो बाला साहब ठाकरे जी को भी इसीलिए तो मैं मजबूर करते थे कि जो एक इमोशनल कार्ड है वो खेला जाए। इमोशनल कार्ड लोग शरद पवार की तरफ से भी खेला। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, ये तुम्हारे घर के मामले से किसको लेना देना नहीं। अरे तो क्या ये क्या जागीर है क्या, आप मुख्यमंत्री बने फिर आपका बेटा बने फिर आपका बहू बने, ये क्या चलता है, ऐसा होता है क्या?